रीवा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी शोर थमने के बाद बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा भी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही अपने समर्थकों के साथ बैठकर कल की वोटिंग के लिए रणनीति बनाई। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के डोर टू डोर जनसंपर्क का जायजा लिया। चुनाव प्रचार थम चुका है, हम रीवा में हैं, रीवा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज थोड़ा सुकून में हैं, क्योंकि हर दिन उनको सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता था, मगर चुनाव प्रचार थम चुका है तो वो थोड़ा सा आज आराम से उठे हैं, मगर अभी भी वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका जारी है, डोर टू डोर जनसंपर्क उनका जारी है। एक डेढ़ घंटा जो हर दिन निकलते हैं तो उससे एक डेढ़ घंटा विलम्ब से वो निकले हैं, मगर यहाँ पर अभी वो जाएंगे अपने इलाके के बहुत सारी जगह पर, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे और अपनी बातें रखेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे। और अब जो होगा उनका जनसंपर्क जो होगा व्यक्तिगत होगा, डोर टू डोर होगा और इस तरह का होगा, तो हम उनके साथ चलते हैं कुछ जगह, देखते हैं वो किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है वो वोटिंग होनी है और वोटिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी के लोगों को के पक्ष में वोट दिलवा सकें, इसकी कोशिश में प्रत्याशी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के रीवा के लोकसभा के प्रत्याशी हैं जनार्दन मिश्रा, वो अभी इंडोर यहाँ पे स्टेडियम पहुँचे हैं, अवधेश प्रसाद सिंह स्टेडियम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर हम बात करें कल चुनाव प्रचार थम चुका है, थोड़ा सा सुकून मिला होगा आपको? नहीं, अब ये व्यक्तिगत जनसंपर्क है, चुनाव प्रचार तो अब खत्म हो गया है। यहाँ नौजवान लोग रहते हैं, खिलाड़ी हैं, इंजीनियरी लोग हैं, इसलिए इनसे भी थोड़ा सा अपना देखें क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अच्छा भाई, कल अमित शाह जी आए थे, कितना इफेक्ट पड़ेगा उस? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, आज का क्या प्रोग्राम है, आप कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं तो आज अपने गाँव में डोर टू डोर का संपर्क है, मैन टू मैन का, तो आज गाँव में जाऊँगा, गाँव के अगल बगल के गाँव में मिलूंगा लोगों से। तो आज कुछ रोज तो जल्दी निकल जाते होंगे, आज थोड़ा सा नहीं, अब हो गया, वो पहले तो सभाएं लगी रहती थी, अब कोई काम है नहीं ऐसा, व्यक्तिगत मिलना है तो उसमें समय क्या, अपने गांव के अगल बगल जाना है तो अपन घर है तो वहाँ जाएंगे, लोगों से मिले जुलेंगे। तो आपने सुना कि डोर टू डोर जनसंपर्क जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि कल जो अमित शाह आए थे उसका इफेक्ट पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज थोड़ी सुकून रहा मिला उनको, मगर वो अभी जा रहे हैं अपने गांव में, अपने इलाके में जो उनका पैतृक गांव है वहां जाएंगे, वहां पे आसपास के लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और कोशिश उनकी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कल उनके पक्ष में वोट डल सके, उसकी कोशिश में वो लगे रहेंगे, उसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे।